विगत सप्ताह मुरैना जिले में कच्ची शराब पीने के दौरान करीब 25 लोगों की मौत हो गई थी, जिसके बाद प्रदेश के मुखिया ने सख्त कदम उठाया और कच्ची शराब बनाने के ठेकों को नेस्तनाबूद करने की कार्रवाई के आदेश दिए, जिस पर प्रदेश सहित जिले में भी पुलिस प्रशासन ने सख्ती दिखाई और जगह जगह दबिश दी। इसी कड़ी में विगत दिवस जिले के नईगढ़ी थाना क्षेत्र के डीहिया गाँव में पुलिस द्वारा कार्रवाई की गई, जिस पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया, जिससे कई पुलिसकर्मी घायल हो गए, जिनका इलाज नईगढ़ी सामुदायिक केंद्र में किया जा रहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार नईगढ़ी थाना क्षेत्र स्थित डीहिया गांव में नकली शराब बनाए जाने की सूचना पुलिस को प्राप्त हुई थी, जिसके बाद पुलिस टीम गठित कर मौके पर दबिश दे दी गई, जहां से भारी मात्रा में नकली शराब तैयार किए जाने की सामग्री जब्त हुई। वहीं जब्ती की कार्रवाई के दौरान वहां मौजूद ग्रामीणों ने पुलिस की टीम पर हमला कर दिया, जिससे कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। सभी घायल पुलिसकर्मियों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नईगढ़ी में भर्ती कराया गया। इसके साथ ही पुलिस टीम पर हमला करने वाले आधा दर्जन ग्रामीणों को गिरफ्तार भी किया गया, जिनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। वहीं पर मौके से 650 किलो लाहन सहित 50 किलो यूरिया व 210 लीटर कच्ची शराब जब्त की गई। प्रस्तुत है एडिशनल एसपी शिव कुमार वर्मा से जानकारी के अंश। हाँ, ये जैसा कि आप लोग सभी को विदित है कि मुरैना क्षेत्र में जो जहरी शराब के सेवन से काफ़ी लोगों की जान गई थी, उस संबंध में माननीय शासन के द्वारा लगातार निर्देश दिए जा रहे थे, उसी निर्देशों के पालन में हमारे क्षेत्र में नईगढ़ी थाना है, वहाँ पर डीहा गांव है, जहाँ पर इस तरह की सूचना लगातार पुलिस को मिल रही थी। पहले भी वहाँ पर दबिशें हुई हैं। पुलिस के द्वारा ये प्लान करके हमारे एडिशनल एसपी मऊगंज हैं, उन्होंने पूरा ये प्लान किया और साथ में अपने अनुभाग के सारे थाना प्रभारियों को, एसडीओपी को करीब 40 के आसपास पर्याप्त बल लेकर वहाँ दबिश दी। दबिश देने के बाद सड़क के पास ही कुछ गांव, मतलब घर थे जो, उनकी तलाशी ले रहे थे और तलाशी के दौरान देखा उन्हें करीब 2-3 हज़ार केजी के आसपास महुआ, लाहन, काफ़ी बड़ी मात्रा में यूरिया और शराब वहाँ लोगों के घरों में रखी हुई थी। वो जैसे ही उसको जब्त करके गाड़ी में रख रहे थे, उसी समय गांव की महिलाओं ने और कुछ लोगों ने पत्थरबाजी कर दी, डंडे लाठियों से पुलिस पर हमला कर दिया, जिसके कारण से पुलिस को जितना वो माल और मिलना चाहिए था वो माल मिला नहीं। पुलिस के द्वारा अपने बचाव में काफ़ी प्रयास किया गया और उसके बाद ये देख के कि माहौल ज़्यादा वो हो रहा है, एडिशनल एसपी मऊगंज के द्वारा बड़ी सूझबूझ से काम लिया गया और वहाँ से अपने सभी फोर्स के लोगों को लेकर और कुछ जो ग्रामीण लोग उनकी पकड़ में आए, उन लोगों को पकड़ के लेके आए हुए हैं। उनके द्वारा बताया गया है कि करीब 650 केजी लाहन जब्त किया गया है, 50 केजी के आसपास यूरिया जब्त किया गया है और 210 लीटर के आसपास शराब जब्त की गई है। और इसमें उनके द्वारा दो आबकारी के प्रकरण पंजीबद्ध किए जा रहे हैं। और साथ में क्या हुआ, जो ग्रामीणों ने उनके ऊपर हमला किया था, उसमें हमारे 6 लोगों को चोट लगी है, टांके भी आए हैं लोगों को कि एक कांवट कट गया है, गाड़ियों में भी काफ़ी नुकसान हुआ है। तो एक 353-307 का प्रकरण पृथक से पंजीबद्ध किया जा रहा है ऐसे अपराधियों के विरुद्ध। और इसमें आगे भी पुलिस अगर इस तरह की हरकत करेंगे ऐसे अपराधी, तो पुलिस लगातार कार्रवाइयाँ करेगी। इस दौरान विगत दिवस हुई मारपीट में घायल महिलाएं आज रीवा जोन पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंच न्याय की गुहार लगाई। उन्होंने कहा कि डीहिया पंचायत सरपंच कुसुम कली कोल द्वारा जंगल के पट्टे की जमीन पर अवैधानिक तरीके से गौशाला का निर्माण कराया जा रहा है, जिसके विरोध में शराब बेचने की झूठी शिकायत पर उक्त कार्रवाई की गई, जिसमें करीब आधे दर्जन महिलाएं घायल हुई। प्रस्तुत है जानकारी के अंश। शिकायत सर इन महिलाओं को मारने को लेकर के है। कल 15 तारीख को लगभग शाम 4 बजे के आसपास मैं यहाँ नहीं, मतलब मैं तो यहाँ वहाँ था नहीं, मैं यहाँ रीवा आया था, मेरी पेशी थी और कार्यक्रम भी था यहाँ पर। तो फिर जैसे ही वहाँ घटना घटी तो सर वहाँ जो सरपंच है, सरपंच जो है तो गौशाला बनवा रहा है, और गौशाला जो है तो जहाँ शासकीय ज़मीन है वहाँ नहीं बन रहा है, और शासकीय ज़मीन वो स्वयं जो है तो अपना पोल्ट्री फार्म 2-3 ठो तैयार करके रखा है और बोर तैयार करके रखा है, और जो है तो पट्टे की ज़मीन में जो है तो गौशाला बनवाना चाह रहा है। और जो इन लोगों की है, इनके पास वैसे भी जंगल में भूमि रहने के लिए नहीं है, जो थोड़ी बहुत बची है तो उसी में गौशाला बनवाना चाह रहा है। तो सर इसका मामला जो है तो न्यायालय में लगा हुआ है, अभी चल रहा है, विचाराधीन है। और कल जो है तो सुनियोजित तरीके से गाँव में हमारे साकेत बस्ती में जो है तो छापा मारने के उद्देश्य से, मतलब इनको छापा का शराब का आड़ लगा करके इनको मारेंगे पीटेंगे, और जो गिने चुने लोग हैं, जो होशियार लोग हैं, उनको पकड़ के लेके चले जाएंगे और मैं अपना गौशाला अच्छी तरह से मैं बनवा सकता हूं। तो सर इसी तरह कल जो है तो घुसे बस्ती में 8 गाड़ी फोर्स के साथ, तो ये जैसे ही घर बस्ती में सीधे डायरेक्ट गई और महिलाओं को मारना पीटना चालू कर दी सर। उसमें जो है तो बहुत सारी चोटें आई हैं। ये हमारे पास जो है तो ये
तीन महिलाओं का जो है तो हमारे पास ये है, ये महिलाओं का प्रभावती साकेत है और सोनम साकेत है और सोनकली साकेत है। तो इन महिलाओं के ऊपर काफ़ी चोटें आई हैं, शरीर में लगी हैं, एक हाथ दो जगह से प्रभावती साकेत जी का टूट गया है। और जैसे ही ये मतलब अपने ही आत्म सुरक्षा बचाव के लिए मतलब हम लोगों को कहीं जान से ना मार दें, इस तरह से मार रहे थे बड़ी लाठी से कि बिल्कुल कोई मर जाए। तो फिर अपनी आत्म सुरक्षा के लिए इन लोगों ने डराया धमकाया उन लोगों का ही, वो लोग भी पत्थर छोड़े, ये लोग भी छोड़े, पता नहीं किसका, उनके वाहन में भी कुछ चोटें आई हैं जो है, तो उस चोटे से पता नहीं इन लोगों के मारने से लगी कि उन लोगों का ही पत्थर उनके लगा, ये मुझे नहीं मालूम चूँकि मैं वहाँ पर मौजूद नहीं था। मैं जैसे ही मुझे ये खबर चली तो सर मैं इसकी शिकायत करने के लिए IG साहब के पास आया हूँ और एडिशनल वो SP साहब के पास भी गया था, तो उनकी खाली खाली गाड़ी लौटी, तो मैं आकर के फिर IG साहब के पास गया तो पता चला कि IG साहब किसी काम से प्रशासन के काम से यहाँ बाहर हैं कार्यालय से। सर इसी की शिकायत करने के लिए आया हूँ और इनको सर ये चोटें आई हैं और इनका दो जगह से हाथ टूटा हुआ है। श्रीमान जी, क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम द्वारिका प्रसाद साकेत है सर।